उत्तराखंड नगर के ठीक बीचों बीच स्थित रेलवे ओवरब्रिज लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जर्जर ब्रिज की हालत खराब है, वहीं यहां पर मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। इसके अलावा यहां हमेशा ट्रैफिक जाम लग जाने से लोगों को आए दिन परेशान होना पड़ता है। वहीं पार्किंग का नया ठिकाना और रेत गिट्टी रखने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इधर स्थानीय प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। गड्ढे से परेशान है हम। अभी दिवाली के समय में देख रहे हैं तो यहाँ का अभी जानवर बैठा है, यहाँ लोग गाड़ी पार कर दिए, जाम की स्थिति बन रही है, आप लोग देख सकते हैं सारा। यहाँ ध्यान देना चाहिए यहाँ के नेताओं को भी। अधिक जानकारी के लिए शैलेंद्र श्रीवास्तव। शैलेंद्र, आखिर कितना लंबा समय हो गया जो स्थिति ऐसी बनी हुई है ओवरब्रिज की, और लोग ऐसे ही परेशान होते हैं और मवेशी भी ऐसे ही वहीं पर पड़े रहते हैं। जी रितु, आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह अकलतरा ब्रिज का जब से निर्माण हुआ है तब से यहाँ के लोग इस ब्रिज से परेशान है। लोगों की सुविधा के लिए ब्रिज तो बनाया गया है, लेकिन ये उल्टे लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। इसमें जर्जर हालत जो ब्रिज की है उससे तो नगरवासी काफी परेशान है। और अभी देखा जाए तो इस ब्रिज पर जो मवेशी हैं और अवैध जो पार्किंग पार्किंग किया जा रहा है गाड़ियों का, इससे लोग परेशान हैं, मवेशियां हैं। और अभी लोगों के द्वारा एक नया चलन में आ गया है कि लोग अपने गिट्टी हैं, रेत हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क के जो भी सामान है वो वहां पर अभी डंप कर दे रहे हैं। और बात करें प्रशासन की, प्रशासन अभी तक पूरी तरीके से सोया हुआ है। जर्जर हालत हो चुकी है ब्रिज की, तो आखिर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, और कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? और मवेशी भी वहां पर रहते हैं, तो कोई भी हादसा उस दौरान हो सकता है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो समस्या का कारण है वो है जाम लगना, और जाम लगने के साथ में अभी जो कोरोना की स्थिति अभी निर्मित है ये, और सबसे ज्यादा त्योहारी सीजन सबसे जो चिंता का विषय है। लेकिन इसके बाद भी स्थानीय प्रशासन की बात करें, नगर पालिका प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोई ध्यान नहीं है। शास्त्री चौक पर मौजूद होते हैं पुलिस के जवान, लेकिन बात करें तो ब्रिज इतना लंबा होने के कारण उनके भी हाथ में ये चीज नहीं है, संभव नहीं है उनके लिए। लेकिन पुलिस प्रशासन को और नगरी प्रशासन को इस बारे में जरूर सोचना होगा। प्रशासन से, अधिकारियों से आपने बात करने की कोशिश की होगी, उनसे जानने की कोशिश की होगी कि आखिर इस ओर कोई ध्यान क्यों नहीं देता? हालत जर्जर हो चुकी है और जाम की स्थिति बनती है, लोग गाड़ियां खड़ी करते हैं, तमाम तरह की यहाँ पर जो है परेशानियां हैं, पर ध्यान क्यों नहीं देता? क्या कहा उन्होंने फिर? जी, लंबे समय से चर्चा करने की कोशिश की जा रही है, वो टाल मटोल किया जाता है। पुलिस विभाग के द्वारा नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिम्मेदार नगर पालिका के द्वारा पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। कितने लंबे समय से शिकायत करी जा रही है पर सुना नहीं जा रहा, कितना समय हो गया आखिर? जी, तो जब से ब्रिज बना तब से इसके बारे में लगातार शिकायतें की जा रही है नगर वासियों के द्वारा। और मैं बात करना चाहूंगा यहाँ के जो नेतागण है उनके बारे में भी, वो लोग भी इस बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं। बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन इसलिए ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि रसूखदारों की गाड़ियां हैं, रसूखदारों के सामान है। कुल मिलाकर आम 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 नागरिक का अगर होता तो बिल्कुल इस पर कार्रवाई होती, और जी बिल्कुल प्रशासन अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता। बाकी कुल मिलाकर कहा जाए तो मिलीभगत तो यहाँ पर है ही है, और ऊपर से ढीला रवैया प्रशासन का साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोगों की परेशानी से कोई मतलब नहीं है, जो चल रहा है वो चल रहे। तो बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शैलेश। मंडला के कृषि उपज मंडी